नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। वाराणसी में टीबी दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, काशी में करीब 1800 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास। बेंगलुरु में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, 9 क्विंटल से ज्यादा नशीली दवाइयां नष्ट हुई, नशा विरोधी मुहिम को घर पर ले जाने की अपील। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा पर बीजेपी का हमला, कहा झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत है, बयान से किया ओबीसी समाज का अपमान। लगातार 9वें दिन संसद में आज भी हंगामा, अडानी मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, तो राहुल गांधी के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी, 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। पंजाब में गुरदासपुर के सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। अमृतपाल सिंह का एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, कुरुक्षेत्र बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है ये वीडियो। भगोड़े अमृतपाल पर गुरुद्वारे के ग्रंथी ने दर्ज कराया केस, ग्रंथी की पत्नी और बेटे को बंधक बनाने का आरोप है, डरा धमकाकर सतलुज नदी पार कराई। पंजाब पुलिस ने जलंधर में अमृतपाल सिंह को लिफ्ट देने वाले ड्राइवर से की पूछताछ, ड्राइवर ने कहा कि उसे तब तक नहीं पता था कि वो अमृतपाल सिंह है, फरार होने के लिए अमृतपाल 12 घंटे में 5 गाड़ियां बदल चुका था। अमृतपाल सिंह को लेकर भारत और नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस ने पंजाब के भगोड़े अमृतपाल सिंह का पोस्टर चस्पा कर उसके देखे जाने पर लोगों से सूचना देने की अपील की। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें कर रही है छापेमार कार्रवाई, उत्तराखंड पुलिस भारत नेपाल सीमा पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है, अमृतपाल को कुरुक्षेत्र में शरण देने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। मेषपाल हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, 7 राज्यों से आरोपियों की तलाश के लिए मांगी गई मदद, माफिया डोन अतीक अहमद के फरार बेटे असद और पत्नी शास्ता परवीन का बचपाना नामुमकिन। उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज के अलग अलग थानों में तैनात 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, इन पुलिसकर्मियों पर अतीक अहमद से मिली भगत का आरोप है। उमेश पाल केस में शूटर असद के मोबाइल फोन से मिले कई राज, असद के फोन से मिली जानकारी पर पुलिस ने अतीक के ऑफिस पर छापा मारा, हथियारों की खेप के साथ ही नकदी भी जब्त की गई। यूपी के फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद को रिमांड पर लेकर पुलिस ने की पूछताछ, भुट्टे में छिपाकर रखे गए हथियार पुलिस ने जब्त किए। यूपी के मेरठ में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे माफिया हाजी याकूब कुरैशी की 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने संतोष भदौरिया उर्फ करोली बाबा का बयान दर्ज किया है, आश्रम में एक डॉक्टर से मारपीट और धक्का मुक्की की शिकायत पर हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने बेलगांव जेल में बंद हिस्ट्री शीटर जयेश पुजारी से की घंटों तक पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला का विवादास्पद बयान, कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन, अमेरिकन सबके भगवान हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रूलर ईवीएम पर चर्चा के लिए अपने घर विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है, इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने नहीं लिया हिस्सा। रक्षा मंत्रालय और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच 3,700 करोड़ रुपए की डील हुई है, भारतीय वायुसेना के लिए नए रडार खरीदे जाएंगे। झारखंड के धनबाद कोयलांचल में मचा हड़कंप, आसमान में उड़ रहा एक ग्लाइडर घर पर जा गिरा, बाल बाल बचे घर के सदस्य, पायलट समेत 2 लोग जख्मी। राजस्थान के कोटा में देर रात अनशन पर बैठी महिला डॉक्टर्स को पुलिस ने जबरन उठाया है, जिससे प्राइवेट डॉक्टर्स का पुलिस के खिलाफ गुस्सा भड़का। राजस्थान के कोटा में ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, 4 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के आगरा में मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पकड़े गए बदमाश से बंदूक और कारतूस बरामद किए गए, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। हरियाणा के अंबाला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन क्लीन के तहत 3 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए, सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप। बिहार के जमुई में पुलिस ने नक्सली सुनील मरांडी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, हत्या के मामले में पुलिस लंबे समय से कर रही थी तलाश। दिल्ली के भारत नगर में एक महिला और उसके 5 साल के बच्चे पर एसिड अटैक हुआ,
महिला की निशानदेही पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के गोरखपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले यूट्यूबर समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात में बंदूक लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अवैध हथियार लेकर डांस करता नजर आया लड़का। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सिंघाड़े का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़े, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर कल होगा ट्रायल। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये रेल ब्रिज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शिंकुला दर्रा सड़क मार्ग को हल्की गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिलहाल खोला गया है। शिंकुला दर्रा खुलने के बाद अब जल्द ही जांस्कर वैली पर्यटकों के लिए खुल जाएगी। उत्तराखंड के कई जिले बारिश को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना जताई। राजस्थान के जोधपुर में बेमौसम हुई बारिश की वजह से इसबगोल की फसल को नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल भी बर्बाद। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद महानगर पालिका की इमारत से औरंगाबाद नाम की प्लेट को हटाया गया। नए नाम छत्रपति संभाजी नगर की लगेगी प्लेट। यूपी के मेरठ में जिला प्रशासन की ओर से की गई मॉक ड्रिल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर मॉक ड्रिल हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भालू का आतंक। भालू के हमले में कई ग्रामीण जख्मी हुए। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को बेहोश कर कब्जे में लिया। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन। आज मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। यूपी के मुरादाबाद में रमजान को लेकर सजे बाजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म परिणीता के डायरेक्टर प्रदीप सरकार का 68 साल की उम्र में निधन हुआ। बॉलीवुड में शोक की लहर। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास से भड़के किम जोंग उन। रूस से पहले किया सुनामी लाने वाले अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण। तटीय इलाकों में परमाणु सुनामी लाने की क्षमता। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग। वीडियो में अर्मेनिया की सेना की गाड़ियां अजरबैजान के बॉर्डर के पास जाती हुई नजर आई। दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ पर बवाल। चीन का दावा, अमेरिकी युद्धपोत पेरासिल द्वीप के पास घूमते देखा गया है। मिसाइलों से लैस था अमेरिकी युद्धपोत। फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर बवाल। एक बार फिर मैक्रों सरकार के फैसले के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रूस के मुकाबले के लिए अब और मदद सामने आ रही है। यूक्रेन की मदद को आगे आया है स्लोवाकिया। यूक्रेन को दिए गए MiG-29 फाइटर जेट। इसराइल में नेतन्याहू सरकार ने न्यायपालिका से जुड़े नए कानून को संसद से पारित किया। कानून को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। शहर गुआयाकल में चक्रवात याकू के बाद हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से 21 लोगों की मौत हुई। 23,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए।